दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। देखिए 20 मार्च से लगातार अजमेर शहर के अंदर हजारों जायरीन अजमेर के दरगाह इलाके में फंसे हुए थे, और उस जायरीनों के लिए आज सुबह जो रेल है वो देवदूत बनकर सामने आई है। चेहरों के ऊपर जायरीनों की मुस्कुराहट बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ये दिखा रही है कि अपने घर वापसी के लिए कितने खुश ये तमाम जो जायरीन है वो हो रहे हैं। आज अजमेर प्रशासन ने अजमेर से पश्चिम बंगाल के लिए ट्रेन की रवानगी करवाई है, और ट्रेन के अंदर 1188 जायरीनों की रवानगी करवाई है, जिसमें कुछ श्रमिक को भी इसके अंदर शामिल किया गया है। ये तमाम वो लोग हैं जो पश्चिम बंगाल में रहने वाले लोग थे, लेकिन लॉकडाउन 1.0 से पहले अजमेर में फंस चुके थे, अजमेर के अंदर अटक गए थे, और जब से लॉकडाउन 1.0 2.0 चला आ रहा है उसके बाद से ही लगातार ये लोग अजमेर के अंदर ही रुके हुए थे। और अजमेर का जो प्रशासन है, दरगाह कमेटी के जो लोग हैं, वो इनके लिए खास सामग्री का इंतजाम कर रहे थे। और सबसे खास बात यह है कि ये जितने 1188 लोगों की रवानगी अजमेर से करवाई गई है, ये तमाम लोगों से किसी प्रकार से ट्रेन का कोई शुल्क उनसे नहीं लिया गया है। इसका जो पूरा खर्चा है वो दरगाह कमेटी ने कुछ खर्चा दिया है, और उसके साथ में अजमेर से जो कांग्रेस पार्टी की ओर से सांसद प्रत्याशी रहे हैं दिन वाला, उन्होंने 8 लाख रुपए तकरीबन मदद जो है वो इन जायरीनों के लिए की है, और उनकी मदद के साथ में ही इन तमाम लोगों को यहाँ से रवाना किया है। ट्रेन की ये विशेष ट्रेन है, रेलवे की ओर से विशेष ट्रेन चलाई गई है, और ये विशेष ट्रेन जो पश्चिम बंगाल सरकार और राजस्थान की सरकार दोनों के बीच में आपसी तालमेल और आपसी सामंजस्य से बैठा है, तो उसके बाद में ये ट्रेन अजमेर से रवाना की है। ये केवल और केवल विशेष ट्रेन है, इसमें केवल उन्हीं लोगों की रवानगी हुई है जो लोग अजमेर में फंसे हुए थे और जिनका पंजीयन जिन लोगों ने करवाया था प्रशासन के पास में आकड़े थे। दरगाह कमेटी ने जो 4000 तकरीबन लोगों की जो सूची प्रशासन को सौंपी थी, जिसमें मांग की गई थी रेल मंत्रालय से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि अजमेर के अंदर दरगाह शरीफ में के आसपास जो लोग जायरीन है वो फंसे हुए हैं, उन लोगों को अपने घरों तक रवानगी का इंतजाम किया जाए, और उसी के मद्देनजर आज राजस्थान सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार दोनों में आपसी तालमेल बैठा, और उसके बाद रेल मंत्रालय की ओर से स्वीकृति आने के बाद ये विशेष ट्रेन की रवाना की गई। सुबह 11 बजे इन तमाम जायरीनों की रवानगी करवाई गई है। उससे पहले जिला प्रशासन की ओर से इनकी बकायदा स्क्रीनिंग की और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए नियम इनको बताए गए थे, और उसके साथ में इनकी स्क्रीनिंग वहां पर की गई है। स्क्रीनिंग के साथ में जब रेलवे स्टेशन इनको निगम के जरिए लाया गया, और यहाँ पर इन लोगों की दोबारा से स्क्रीनिंग की गई, और सबसे खास बात है तस्वीरों के अंदर आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से अजमेर के जो प्रभारी सचिव हैं भवानी सिंह देथा और अजमेर के एसपी कुंवर राष्ट्रदीप सिंह, इन दोनों का जो तालमेल है वो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है कि कैसे इन दोनों की जो मेहनत है उसका ही ये परिणाम है कि आखिरकार जो जायरीन अजमेर में फंसे हुए थे वो अपने घर के लिए रवाना हो गए हैं। तस्वीरों में बिल्कुल स्पष्ट तौर पर दोनों जुगलबंदी और तालमेल जिस तरीके का नजर आ रहा है वो काबिले तारीफ भी कहा जा सकता है। इसके साथ में जो तमाम जायरीन अजमेर से 1188 रवाना किए गए हैं, इन लोगों के लिए यहाँ से फूड की व्यवस्था भी की गई है, और इसके साथ साथ IRCTC के माध्यम से रास्ते में इनके लिए पानी की और एक पैकेट फूड की व्यवस्था भी की जाएगी, किसी प्रकार की दिक्कत इनको रास्ते में ना हो उसके लिए भी अजमेर के जिला प्रशासन ने IRCTC को दिशा निर्देश दिए हैं। साथ में ये भी स्पष्ट तौर पर कहा है कि किसी प्रकार की रास्ते में इनको कोई दिक्कत ना आए। ये विशेष ट्रेन है, इसलिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये ट्रेन नहीं रुकेगी, अजमेर से रवाना होकर ये सीधी ट्रेन जो है वो पश्चिम बंगाल ही रुकेगी। तमाम जो लोग पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों के हैं, जायरीन जो अलग अलग इलाकों के हैं, वो वहां पर जाने के बाद पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से जो व्यवस्था है उनको अलग अलग उनके जो घर जहाँ जहाँ जिस जिलों के अंदर आते हैं वहां तक पहुंचाने की व्यवस्था पश्चिम बंगाल सरकार की करेगी, लेकिन राजस्थान सरकार ने और अजमेर के जिला प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाते हुए इन तमाम जायरीनों की रवानगी आज सुबह 11 बजे कर दी है। के मुताबिक अजमेर से कल हावड़ा के लिए ट्रेन रवाना हो रही है, उसमें समस्त जायरीन आ रहे हैं जो कई दिन से रुके हुए हैं, बहुत बहुत बड़ा उनको रिलीफ है। हम लोग सुबह से प्रयास कर रहे हैं, हर एक की स्क्रीनिंग कर रहे हैं, हर एक को पानी खाना दे रहे हैं, उसके अलावा
उनको व्यवस्थित रूप से सोशल डिस्टेंसिंग पालना करते हुए कोच में उनको बिठाया और समझाया भी जा रहा है भाई आप आराम से जाओ। और रेलवेज अथॉरिटीज पूर्णतः सहयोग कर रहे हैं। IRCTC रास्ते में इनको लंच एक मील और एक पानी की बोतल भी देगी। तो मेरे हिसाब से चीज़ें काफ़ी ठीक है। और अभी शेड्यूल टाइम 11 बजे तो उस समय ट्रेन स्टार्ट करने की हम लोग स्थिति में ऑलमोस्ट 70-80% के आसपास लोग बैठ गए। पैसेंजर टोटल उसकी कैपेसिटी है उसको पूरा ही भरेंगे हम लोग। चार्ज दिया गया है? नहीं नहीं नहीं, इनसे चार्ज नहीं लिया गया। इनका जो फंड्स हैं जो दरगाह कमेटी प्लस जो उन्होंने दिया दरगाह कमेटी, हमने CSR के तहत दरगाह कमेटी ने भी कुछ फंड दिए हैं, कुछ रिजु जिंदनवाला जी ने दिए हैं। तो और भी आगे जैसे आपसे तो ट्रेन चलाएंगे, उसके अलावा कुछ खादिम उन्होंने CSR से दिए, इनसे चार्ज नहीं लिया। जो आज ट्रेन जा रही है इनसे चार्ज नहीं लिया। स्पेशल ट्रेन आज जा रही है अजमेर से, करीब 1186 यात्री इसमें जाएंगे और पूरे सोशल डिस्टेंसिंग की नॉर्म्स के साथ इनको स्क्रीनिंग करके और इनके लिए भोजन और पानी की व्यवस्था सारी की गई है। मास्क सभी को दिया गया है और आज 11 बजे के बाद ये ट्रेन निकलने की चांस है जो कल 24 घंटे के अंदर वेस्ट बंगाल पहुंच जाएगी। और यात्रियों में काफ़ी राहत है इस ट्रेन के चलने से। रेल विभाग के द्वारा और हमारे प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा, GRP के द्वारा, RPF सभी के द्वारा टीम वर्क के रूप में काम किया जा रहा है। काफ़ी अच्छी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोगों में किसी तरह की कोई हड़बड़ाहट नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स के साथ सभी इसमें जा रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि जब ये यात्री अपने घर पहुँच जाएंगे तो अपने लिए एक बहुत ही अच्छी है, एक मिसाल पेश होगी। कितने यात्री संख्या लगभग कितनी होगी? 1186 के आसपास है। हम आए हैं कलकत्ता से, हम यहाँ आए हैं 18 मार्च को, यहाँ उतरा है 20 मार्च को, उस दिन से परेशान है हम। कहाँ ठहरे हुए थे अभी तक? हम ठहरे हुए तुम्हारे मास्टर के साउथ भंडारा गली नाला बाजार। आज दरगाह की कमेटी या प्रशासन के सहयोग से आप वापस अपने देश लौट रहे हो? हाँ, दरगाह प्रशासन से है से हम देश लौट रहे हैं। अच्छा लग रहा है आपको वापस अपने घर? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या प्रशासन का किसी चीज़ का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? हाँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है रहमत अली मुल्ला। कहाँ से? कलकत्ता।